गांधी संस्मरण, राजनिष्ठा और देशी शब्द। गांधी जी का मानना था कि हमें स्वयं पर व अपने समाज पर भरोसा होना चाहिए। हमें चाटुकारिता या किसी अन्य कारण के चलते कोई कार्य पुनः पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराकर नहीं करना चाहिए। गांधी जी के गुजरात में बस जाने पर वहां कैसे जीवन जाग उठा? राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा गुजरात राजकीय परिषद की स्थापना की गई और गांधी जी को इस परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसका पहला अधिवेशन गोधरा में हुआ, जिसमें गांधी जी गुजराती में ही बोले। उन दिनों सम्राट के प्रति राजनिष्ठा का प्रस्ताव पास कराने की परिपाटी थी। जब ये प्रस्ताव गांधी जी के समक्ष आया तो उन्होंने उसे फाड़ते हुए कहा, ऐसा प्रस्ताव पास करना बेहुदापन है। जब तक हम बगावत नहीं करते तब तक हम राजनिष्ठ हैं ही, फिर इस बात की बार बार घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? क्या कोई स्त्री अपने पति के सामने बार बार पतिव्रता होने की घोषणा करती है? शादी करने का अर्थ ही पतिव्रता होना है। गांधी जी की बात सुनकर सभी कार्यकर्ताओं ने चुप्पी साध ली। गांधी जी फिर बोले, यदि कोई आपसे राजनिष्ठा के प्रस्ताव के विषय में पूछे तो कह दीजिएगा कि मैंने उसे फाड़ डाला है। इसी परिषद में वीरम गांव के विषय में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे अध्यक्ष होने के नाते गांधी जी को वायसराय के पास भेजना था। गांधी जी ने तुरंत ही इस आशय का तार लिखवाया। उसके नीचे अपने नाम के पश्चात लिखा, अध्यक्ष गुजरात राजकीय परिषद। यह देखकर काका कालेलकर ने कहा, बेचारा वायसराय इन देशी शब्दों का अर्थ क्या समझेगा। गांधी जी ने कहा, यदि उन्हें यहाँ राज्य करना है तो ये आवश्यक है कि या तो वो हमारी भाषा सीखें या किसी दुभाषीय को अपने पास रखें जो उन्हें समझाया करे। अपने ही लाभ के लिए वे राज्य कर रहे हैं। अंत में तार वैसा ही गया, जिसका उत्तर भी ठीक प्राप्त हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।